विश्व पूर्णता क्या है? पूर्णता जीवन रस है, होने का रस, ये आवाजें, पक्षियों का कलरव, ये जीव अपनी स्वतः स्फूर्त गति में अपने होने का आनंद है। यह होने का आनंद, होने का रस, होने का यह सौंदर्य, इसकी सहज स्वाभाविक श्वास, इसकी सहज स्वाभाविक धड़कन और इस समस्त सांस और धड़कन में सहज ही संतुलन की आंख होना पूर्णता है। पूर्णता है जीवन का वास्तविक प्रामाणिक सत्य है, होने का। यह पल, यह क्षण, यह सुबह प्रमाण है पूर्णता का। सहज ही इस रस को जीवन, एक प्रक्रिया के रूप में जीवन की प्रक्रिया के रूप में पान कर रहा है स्वयं, स्वतः स्फूर्त ही। यहाँ न कोई मैं है, कोई अतिरिक्त भाव है ही नहीं व्यक्तिगत होने का, क्योंकि यह संतुलन होने की प्रक्रिया का संतुलन है। जहाँ जीवन स्वयं में ही होने का भाव है, अपनी ही बातचीत है, अपनी ही गतिविधि है, चिड़ियाएं स्वभाव का आनंद ले रही हैं, सुबह का रस ले रही है और अपनी दिनचर्या में यह इनका होना है स्वतः स्फूर्त। इस होने का कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, यह स्वयं जीवन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय है। सब कुछ
स्वतः इस सोच चेतना का रस प्रस्फुटित हो रहा है, जिसे बोध कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। इस समस्त की पूर्णता की अनुभूति और उस अनुभूति का होना सहज स्वाभाविक वह अंतर्दृष्टि होना अस्तित्वगत होने का पूर्ण भाव है। शब्दों में चाहे जितना भी कहा जाए, पूर्णता होने की अंतर्दृष्टि है। जिसमें यह सत्य प्रामाणिक रूप से घट रहा है, वनस्पति हर जीव जंतु जीवन की प्रक्रिया का अंतर संबंधित हिस्सा है। जस्ट इट इज बीइंग, जस्ट इट इज बीइंग, इसीलिए बीइंग अनफोल्ड द होल मिस्ट्री is sharing balance of this universe and in its possibility it is being unfolded. This unfoldment gradually the state of awareness when one find it ultimately that inside is inside of aware being aur yah istar hi purnata ka istar hai। This state is state of ultimate being और यह ही पूर्ण आनंद, परम आनंद, परम शांति का अनुभव है। सत्य तो यह है कि किसी भी अतिरिक्त माया का कोई अर्थ नहीं। देर इज नो मीनिंग ऑफ एनी अज्यूम्ड ईगो, अज्यूम्ड आइडेंटिटी, बिकॉज अल्टीमेट इज बीइंग रिफ्लेक्ट इन ए फॉर्म। व्हेन समवन वांट्स टू नो हिमसेल्फ ही फाइंड हिमसेल्फ अल्टीमेटली इन फॉर्म ऑफ अल्टीमेट स्पिरिट of this universe। And that means its existence, its trials is being this possibility of possible forms of life। That's it। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।
इस पूर्णता को ध्यान में पूर्ण होश में अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए संतों ने कहा है स्वयं को जान, और जानने का माध्यम है, जानने की यात्रा है ध्यान होश सतत स्वयं को जानने की होशपूर्ण यात्रा ध्यान है। और उस स्थिति को परम आनंद परम शांति में अनुभव किया जाता है, और वह ही अस्तित्व है, परमात्मा है, सत्य है, प्रामाणिकता है, होने की। The life means just be. Thank you.